नमस्कार दोस्तों, MDU कैंपस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, MDU के अंदर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसेस चली हुई है। यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल का क्राइटेरिया तय किया है, डबल डोज वैक्सीनेशन का, फुल्ली वैक्सीनेशन का। तो इसको लेकर 2-3 दिन से स्टूडेंट के लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि ये तो गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको समझ में आएगा कि आप सही कह रहे हैं, वास्तव में गलत है। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ये जानकारी दी है, ये गाइडलाइन दी है, क्राइटेरिया बनाया है कि आपको डबल डोज वैक्सीनेटेड होना चाहिए, आपको दोनों वैक्सीन लगवानी होनी चाहिए। दोस्तों, पहली बात तो ये कि कोई भी इंस्टीट्यूशन मैंडेटरी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये ट्रायल फेज़ है। सरकार ने अभी तक इसका जो डाटा है, ट्रायल डाटा अभी तक शो ही नहीं किया है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे अभी तक शो ही नहीं किया उन्होंने। तो नीलेश ओझा, एडवोकेट नीलेश ओझा है मुंबई से, उन्होंने केस किया था जो मैंडेटरी वैक्सीनेशन है उसके अगेंस्ट में। तो उसका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर बयान आया था, वो यही था कि आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, टोटली ये वॉलंटियरली है कि कोई लगवाना चाहे तो लगवा सकता है, नहीं आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते कि आप वैक्सीनेशन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए आप। लेकिन यूनिवर्सिटी हॉस्टल लेने के लिए मैंडेटरी कर रही है। दोस्तों, उसी नोटिस में लिखा गया है ये कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन है, वो प्रिवेंट नहीं करती है कोविड से। जिन लोगों ने दो दो डोज लगवा ली हैं उनको भी कोविड हो रहा है, उनको भी कोरोना हो रहा है। तो क्या ग्राउंड है कि आप स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि आप कोरोना की दोनों जो वैक्सीनेशन है लगवाइए, दोनों वैक्सीन को लगी होंगी वही पोस्ट ले पाएंगे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने एक लगवाई है और उसका भी 6 महीने 8 महीने का जितना टाइम है दूसरी डोज लगवाने का, वो भी पूरा नहीं हुआ है, तो क्या वो स्टूडेंट भी हॉस्टल नहीं ले पाएगा? या किसी ने नहीं लगवाई है तो क्या राइट है यूनिवर्सिटी का उनके पास कि उनको हॉस्टल ना लेने दे? जो स्टूडेंट इतनी दूर से आते हैं, अगर उसके पास उनको डबल डोज नहीं लगवाई उन्होंने, तो वो इतनी दूर से डेली अप डाउन कर पाएंगे? अगर वो बाहर रहेंगे तो कितना महंगा उनका रहना होगा बाहर, आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही छात्र विरोधी फैसला है, इसको बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाना चाहिए। जो भी स्टूडेंट हैं इस समस्या से प्रभावित हैं, जिनके पास वैक्सीनेशन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वैक्सीनेशन का कोई भी डाटा नहीं है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो सभी स्टूडेंट MDU प्रशासन के पास जाएं और उसे पूछें कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं क्या, जो आप वैक्सीनेशन को मैंडेटरी कर रहे हैं? बाई चांस कोई स्टूडेंट नहीं लगवाना चाहता है तो मैंडेटरी नहीं हो सकता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप लेके जाएं वो ऑर्डर, बहुत सी न्यूज़ आपको मिल जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिल जाएगा, और MDU प्रशासन को दिखाएं कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। यही दोस्तों एकमात्र रास्ता है। अगर आपको इस वजह से हॉस्टल नहीं मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं होने वाली हैं, क्योंकि बाहर का खर्चा बहुत ज़्यादा है और डेली अप डाउन कर पाना आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा आपके लिए। तो दोस्तों, यही उम्मीद है कि स्टूडेंट इस छात्र विरोधी फैसले का को सहन ना करें, इसका विरोध करें, MDU प्रशासन से पूछें कि आप पहले अपना डाटा शो कीजिए। MDU VC रजिस्ट्रार कंट्रोलर और जितने भी प्रोफेसर हैं और जितने भी कर्मचारी हैं, पहले वो अपना डाटा दिखाएं कि क्या उन्होंने सभी ने डबल डोज लगवा ली या नहीं लगवा ली है। उसके बाद स्टूडेंट्स को आप पूछें कि आप लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे, मैंडेटरी आप तब भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही उम्मीद है कि स्टूडेंट इसका विरोध करेंगे और इस फैसले को वापस लेने को मजबूर करेंगे। बिना हॉस्टल के बहुत ज़्यादा दूर से अप डाउन बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, MDU कैंपस न्यूज़ आपका पूरा साथ देगा और आप तक हर सूचना पहुँचाई जा सके, हर सूचना आपको मिल सके। तो दोस्तों, इसके लिए MDU कैंपस न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।